नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल नीरज रावत YT में। तो आज का मैच भरतिया वर्सेस सिदखाल अंडर 17 का फर्स्ट सेमीफाइनल होगा। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच रिखणी खाल वर्सेस बड़खेत होगा। तो आइए इस मैच की तरफ रुक करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ भरतिया और सिदखाल का, तो अभी तक 2-3 पॉइंट तो हो गए शायद। तो चलिए अब से देखते हैं। तो सिदखाल की ये सर्विस बहुत ही बढ़िया सर्विस, उसी के साथ बहुत ही अच्छा पास किया और ये बैक के लिए बहुत ही अच्छी बॉल मारी बैक शॉटर ने। फिर से एक बॉल उछली, फिर से एक और बॉल पर आउट मार बैठे, बहुत ही दूर मार बैठे बॉल, तो कोई नहीं। फिर से और एक और पॉइंट मिला इस बार करत्या को, बहुत ही अच्छा ड्रॉप डाला। अब फिर सर्विस करेंगे करत्या के, नाम तो पता नहीं, नंबर 7 नंबर। और ये हमारे आगे अरुण भाई कहाँ से आ गए, अरुण भाई को कहो यहाँ से साइड जाओ यार। चलो चले गए, अब ठीक है, अब थोड़ा मैच यहाँ से हमें ठीक दिख गया। बहुत ही अच्छा ब्लॉक किया एक नंबर की जर्सी ने, और क्या फायदा, पॉइंट मिला सिदखाल को। फिर से एक सर्विस करत्या की ओर से, बहुत ही अच्छा डिफेंस 3 नंबर के खिलाड़ी द्वारा। अरे बॉल की पार, फिर से एक और बॉल उछली, बॉल आउट, पॉइंट मिला करत्या को। फिर से करत्या की सर्विस, बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल मारी, चेकआउट हुआ। फिर से बॉल उठाई और जाल में फंसा बैठे, पॉइंट मिला फिर से एक सिदखाल को। फिर से एक और सर्विस, बहुत ही अच्छा पास पार कर बैठे, से बॉल उठानी चाहिए, बॉल उठाई और बहुत ही अच्छी बॉल मारी पर बॉल गई आउट। बहुत ही ऊपर से मार रहे हैं बॉल ये बैक शॉटर सिदखाल के, बहुत ही ऊपर जा रही है बॉल, देखते हैं क्या होता है मैच में। बहुत ही अच्छी बॉल मारी, पॉइंट मिला करत्या की टीम को। फिर से एक और सर्विस, इस बार बहुत ही अच्छी बॉल मारी सिदखाल के बैक शॉटर ने। और ये रोटेशन वाला गेम भी चल रहा है इस बार, इस वर्ष शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा सिदखाल की, मतलब सिदखाल के जो शॉटर है बिल्कुल देख के मार रहे हैं बॉल, जहां पे बिल्कुल खाली जगह मिल रही है उनको वहां पर वो बॉल फेंक रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। फिर से एक और पार की बॉल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा खेलते हुए सिदखाल के पर पार नहीं कर पाए करत्या वाले। और कोर्ट चेंज होता हुआ, पहला सेट जीती सिदखाल और दूसरे सेट में देखते हैं कौन जीतता है। यही फाइनल सेट होगा सिदखाल के लिए, और करत्या के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि तभी इनको तीसरे सेट में जाना पड़ेगा, अन्यथा अगर ये सेट नहीं जीते तो सिदखाल विजयी होगी और अपना फाइनल का टिकट कटाएंगी। बहुत ही अच्छा शॉट, फिर से एक और सर्विस। और देखिए आप मेरे चैनल को, मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक तो आप कर ही देंगे इस वीडियो को। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा सिदखाल द्वारा, बहुत ही अच्छा डिफेंस चलता हुआ। जितना बॉल मारना मतलब एक टीम के लिए होता है कि एक
पॉइंट निकालने के लिए उतना ही अच्छा डिफेंस भी होना चाहिए। और फिर से एक और शॉट मारा, बहुत ही उम्दा शॉट, फिर से एक और सर्विस और ये पार की बॉल, सिंपल हाथों से पार। फिर देखते हैं क्या होता है इस बार। बैक शॉटर ने ये बॉल मारी, बहुत ही अच्छा डिफेंस, फिर से बैक शॉटर के लिए उठी और ये जाल में फंसा बैठे, फिर से जाल में फंसा बैठे। अभी भी बढ़त में सिद्धाल, बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ। फिर से रिसीव की, तीन नंबर के लिए उठी बॉल, फिर से जाल में फंसा बैठे। पॉइंट मिला करत्या की टीम को इस बार, फिर से एक और सर्विस, बहुत ही अच्छी सर्विस, उसी के साथ बहुत ही अच्छा पास। उसके बाद फिर से बॉल उठी, फिर बहुत ही अच्छी बॉल मारी, फिर बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा डिफेंस। इस छात्र का नाम लिखना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा इसके स्टेट के लिए। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ। अरे फिर से बैक शॉटर के लिए बॉल उठी पार, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से एक और बार, बहुत ही अच्छा खेलते हुए करते हैं कि ये खिलाड़ी। और ब्लॉक किया, इस बार ब्लॉक कर दिया करते हैं कि टीम को। बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ, बहुत ही अच्छी बॉल मारी। फिर से एक पॉइंट मिलता हुआ सिद्धकाल की टीम को। और जब भी ये खेल शुरू होते हैं तो वॉलीबॉल मैच में हमेशा रिखणीखाल और सिद्धकाल की टीम फाइनल में पहुंचती है। इस बार देखते हैं सिद्धकाल फाइनल का टिकट कटाती है या करत्या, क्योंकि अभी इसके बाद रिखणीखाल वर्सेस बड़खेत भी है। तो हमें तो लगता ही है रिखणीखाल जीतेगी, पर इस बार बड़खेत की टीम भी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं कौन जीतता है सेमीफाइनल दूसरे में, और इसमें भी कौन जीतता है। इसमें जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी। तो बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, और मैं बता रहा था कि सिद्धकाल वर्सेस रिखणीखाल जो कि हमेशा हर साल फाइनल में पहुंचती है, और ज़्यादातर बार रिखणीखाल की टीम विजय रही है, और सिद्धकाल ने भी हर बार रनर अप रहे हैं और कुछ बार विजेता भी रहे हैं। तो इस बार देखते हैं कि इस ट्रॉफी को कौन ले जाता है और जीत की खुशी कौन मनाता है इस बार। तो बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, और ये देखिए फिर से एक और बॉल उठी और ये बॉल पार की गई। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है ये भी, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल मैच बहुत ही अच्छे चलते हैं यहाँ। चार पांच टीमें ऐसी हैं जिनका वॉलीबॉल बहुत ही तगड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। अभी तक तो सिद्धकाली लीड में चल रही है, करत्या पीछे चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। अरे फिर से बॉल उठाई, बहुत ही अच्छा पास, बहुत ही अच्छी रैली चलती हुई, बॉल को नीचे गिरने नहीं दे रहे दोनों पाले के खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया खेलते हुए दो नंबर के खिलाड़ी सिद्धकाल की ओर से। इसे दो नंबर के लिए बॉल उठी और ये बॉल बहुत ही अच्छी मारी, बहुत ही अच्छी। फिर से एक और सर्विस, बहुत ही अच्छी बॉल मारते हुए, बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ देखिए, बहुत ही अच्छा। और ये गेम पॉइंट चलता हुआ सिद्धकाल का, लास्ट पॉइंट है, देखते हैं कौन जीतता है सिद्धकाल। ओ ये सिद्धकाल जीती हुई,
सिद्धखाल ने कटाया फाइनल का टिकट। बहुत बहुत बधाई यहाँ सिद्धखाल को फाइनल मैच में। अब देखते हैं सिद्धखाल के साथ कौन भिड़ता है, रिखणी खाल या बड़खेत, इस बार कौन जीतता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले सेमीफाइनल मैच के साथ। तब तक बाय।